की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। छठगण, हमेशा जीवन में एक सच्चाई को याद रखिए कि सच्चाई का रास्ता कितना भी कठिन भरा क्यों ना हो, कितना भी चुनौती भरा क्यों ना हो, लेकिन अंत में सफलता सुख शांति सुकून प्रदान करता है। और बुराई का रास्ता कितना भी छोटा क्यों ना हो, वह हमेशा तकलीफ अशांति और बदनामी ही प्रदान करता है। छात्रगण, इसलिए सच्चाई के रास्ते में आप सदैव चले, ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और खुद के साथ और दूसरों के साथ भी ईमानदार रहें। यही सब शुभ भावनाओं के साथ कक्षाओं की शुरुआत आज मैं कर रहा हूं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने पिछली बार की थी और कई संतों के बारे में, चाहे वो शंकराचार्य हों, रामानुजाचार्य हों, रामानंद हों, चैतन्य महाप्रभु हों, मीराबाई हों, सूरदास हों, तुलसीदास जी हों, सबके बारे में जाना था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। छात्रगण, लिखेंगे शंकर देव। शंकर देव लिखे, शंकर देव हेडिंग बन गया छात्रगण। हाँ लिखे, इन्हें असम का चैतन्य महाप्रभु, इन्हें असम का चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट, नरसी मेहता, नरसी मेहता, मेहता लिखे, इनका संबंध गुजरात से था। इन्होंने गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए, पीर पराई जानी रे, जानी रे की रचना की थी। नेक्स्ट, माधवाचार्य, माधवाचार्य, माधवाचार्य लिखे, माधवाचार्य भगवान विष्णु के भक्त थे। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। स्थापना की थी। नेक्स्ट, निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य लिखे, ये कृष्ण के भक्त थे। इन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना की थी। सनक संप्रदाय की स्थापना की थी। यह है छात्रगण विभिन्न सगुण विचारधारा के संत और इनसे जुड़ी हुई प्रमुख बातें। इन्होंने
कौन कौन सा मत दिया था, उसको एक चार्ट बना लेंगे छतगण। इधर लिखेंगे संत, इधर लिखेंगे विचारधारा या मत। इससे क्वेश्चन हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में छतगण पूछा जाता है, इसलिए यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नंबर एक लिखेगा छतगण शंकराचार्य, शंकराचार्य, अद्वैतवाद, माध्वाचार्य, द्वैतवाद, निम्बकाचार्य, द्वैता द्वैतवाद। विशिष्टा द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धा द्वैतवाद। ये चार्ट से हर समय क्वेश्चन पूछा जाता है छात्रगण, या तो सिंगल सिंगल आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अद्वैतवाद मत किसने दिया था, तो शंकराचार्य ने दिया था। द्वैतवाद मत के प्रतिपादक कौन थे, तो माध्वाचार्य थे। द्वैता द्वैतवाद किसने दिया था, तो निम्बकाचार्य ने दिया था। निम्बकाचार्य ने दिया था। विशिष्टा द्वैतवाद किसने दिया था, तो रामानुजाचार्य ने दिया था। शुद्धा द्वैतवाद किसने दिया था, तो वल्लभाचार्य ने दिया था। यह क्वेश्चन कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। छतगण पूछेगा खंड क को खंड ख से मिलान करें, है ना छतगण, खंड क को खंड ख से मिलान करें के सवाल में आपको ध्यान रखना होगा। खंड क को खंड ख से मिलान करें के सवाल भी अपने आप में बहुत ही कठिन होते हैं, इसलिए आपको जब तक इस पर पकड़ नहीं होगी तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। खंड का में छतगण ये पांचों ऑप्शन दे देगा या चार ऑप्शन देगा, है ना, और खंड का में इनकी विचारधारा या मत दे देगा। जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा छतगण, इसलिए आपको इस पर पैनी निगाह रखनी होगी, ध्यान देना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीजों को अध्ययन करना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा, एक एक चीजों को गौर करना होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी छतगण, इसलिए इस पर भी आपको पैनी निगाह रखनी होगी। तो छतगण याद रखिएगा, टेक्निक से इसको याद रखिए, शंकराचार्य हैं अद्वैत, माध्वाचार्य हैं द्वैत, निम्बकाचार्य हैं द्वैता द्वैत, है ना, रामानुजाचार्य हैं विशिष्ट और वल्लभाचार्य हैं शुद्ध। तो ऐसे क्या होगा छात्रगण, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। छोटा छोटा पॉइंट लीजिए और उसको कोरिलेट करके याद कीजिए छात्रगण, है ना, छोटे पॉइंट को जोड़िए आपस में और याद हो जाएगा आपको, है ना। शंकराचार्य क्या है छात्रगण, अद्वैत, माध्वाचार्य द्वैत, है ना, निम्बकाचार्य द्वैता द्वैत, रामानुजाचार्य विशिष्ट और वल्लभाचार्य शुद्ध। ऐसे याद कर लीजिए छात्रगण, है ना, तो ऐसे आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। छोटे छोटे टर्मोलॉजी से इसको याद कीजिए, कहीं को दिक्कत और परेशानी आपको नहीं होगी छात्रगण, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए हेडिंग बनेगा छात्रगण, निर्गुण विचारधारा के प्रमुख संत, निर्गुण विचारधारा के प्रमुख संत। हेडिंग बन गया छतगण, हाँ लिखेंगे कबीर दास, कबीर दास लिखे। ये निर्गुण विचारधारा के सबसे प्रमुख संत थे।
सभी दास दास ने ईश्वर को निराकार माना था, निराकार माना था। नेक्स्ट, कबीरदास का लालन पालन, पालन एक जुलाहा दंपत्ति नीरू एवं नीमा, नीरू एवं नीमा ने किया था। नेक्स्ट, कबीरदास का जन्म बनारस में हुआ था, नेक्स्ट इन्हें एक विधवा स्त्री ने, स्त्री ने टोकरी में पानी में बहा दिया था। नेक्स्ट, कबीरदास की पत्नी का नाम लाई एवं पुत्र का नाम कमाल था। नेक्स्ट, कबीरदास के दोहों का संग्रह, संग्रह बीजक कहलाता है, कबीरदास के दोहों का संग्रह बीजक कहलाता है। इनवाइट कॉमा अंडरलाइन छात्रगण, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजक कहलाता है। नेक्स्ट, बीजक के तीन भाग हैं, सबद सबद सखिया रमैनी, सबद सखिया रमैनी। नेक्स्ट, कबीरदास एक आलोचनात्मक कवि थे, नेक्स्ट कबीरदास के गुरु रामानंद थे, नेक्स्ट कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट, कबीरदास की रचनाएं सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, है। कबीरदास एवं सिकंदर लोदी के बीच विवाद होने के कारण सिकंदर लोदी ने इन्हें कारावास में डाल दिया था। नेक्स्ट, कबीरदास का मकबरा या समाधि स्थल,
मगहर मगहर नामक स्थान में स्थित है, नेक्स्ट। कबीरदास एकेश्वरवाद के समर्थक थे, समर्थक थे। छगन क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, कबीरदास का संबंध कहां से था? उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। छगन, एक विधवा स्त्री के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया था और उस विधवा स्त्री ने अपने पाप को छुपाने के लिए कबीरदास को, एक जन्म लिए हुए बालक को, टोकरी में गंगा नदी में बहा दिया। छगन, उस महिला को पता नहीं था कि वह एक ऐतिहासिक पुरुष को उस टोकरी में बहाने जा रही है जो आने वाले समय में इतिहास रच देगा। छात्रगण, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। कहां आपने जन्म लिया, किसके गर्भ से जन्म लिया, किस परिवार में लिया, उसका बैकग्राउंड क्या था, यह कोई मैटर नहीं करता है। आपने कैसे कर्म किए यह मैटर करता है। और कबीरदास ने इस बात को सत्यापित कर दिया। छात्रगण, छात्रगण माता पिता का पता नहीं, लेकिन नीरू नामक जुलाहा और उनकी पत्नी नीमा ने कबीरदास का लालन पालन किया। छगन, कबीरदास अशिक्षित थे, लेकिन उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा जो शब्दों के फूल खिलाए वो अद्भुत, अद्वितीय और बेमिसाल हैं। छगन, कबीरदास के दोहों का संग्रह बीजक कहलाता है। ये आलोचनात्मक कवि थे और इन्होंने हर धर्म पर प्रहार किया। पोथी पदे पदे जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, है ना। हर धर्म पर इन्होंने प्रहार किया और हर धर्म के बारे में इन्होंने, जहां इन्हें गलत लगता था या वहां पर इन्होंने आलोचना की है। छगन, कबीरदास जी एक आलोचनात्मक कवि थे और इन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अंधविश्वासों को दूर किया और लोगों को जागरूक किया था। कबीरदास के दोहों का संग्रह बीजक कहलाता है, जिसके तीन भाग हैं, सबद, सखियां, रमैनी। ध्यान रखिएगा छात्रगण, यह क्वेश्चन भी पूछ चुका है, पूछेगा कबीरदास जी दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। छात्रगण, इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। कबीरदास जी को सिकंदर लोदी ने कारावास में डाल दिया था। छात्रगण, कबीरदास जी चूंकि एकेश्वरवाद और हर धर्म की बुराइयों पर प्रहार करते थे, चाहे वो हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ईसाई धर्म हो, है ना, मुस्लिम धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, तो सिकंदर लोदी इन पर आक्रोशित हो गया और सिकंदर लोदी ने इन्हें जेल में डाल दिया था, कबीरदास जी को। छगन, आज भी कबीरदास जी के समर्थक इस देश में मौजूद हैं, जिन्हें कबीरपंथी कहा जाता है। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था। कबीरदास भी पेशे से जुलाहा थे, कपड़ा बुनकर का काम करते थे। ध्यान रखिएगा, पूछेगा कौन से भक्ति आंदोलन का संत कपड़ा बुनकर या जुलाहा था? तो कबीरदास जी कपड़ा बुनकर या जुलाहा थे, इसे आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट लिखिएगा छात्रगण, रैदास, रैदास या रविदास, संत रविदास लिखे। ये चमार जाति से संबंधित थे, इनके गुरु का नाम रामानंद था। नेक्स्ट, ये कबीर के समकालीन थे। नेक्स्ट छात्रगण, दीर्घ निशान, ये मीराबाई के गुरु थे, गुरु थे। नेक्स्ट, इन्होंने एक प्रसिद्ध कथन कहा था, कथन कहा था, मन चंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। छगन,
छतगन क्या सवाल आएंगे, गौर कीजिएगा। भक्ति आंदोलन का कौन सा संत पेशे से मोची या चमार था? रविदास। छतगन ये भी चमार मोची थे, जूते सिलने का काम करते थे, लेकिन वह रे काबिलियत, वह रे गुण, वह रे व्यक्तित्व, राजपूत महारानी मीराबाई ने इन्हें अपना गुरु माना छतगन, और इनके गुरु थे रामानंद। संत रविदास के ध्यान रखिएगा। छतगन मन चंगा तो कठौती में गंगा, इन्हीं का कहा गया प्रसिद्ध कथन है जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। रविदास जी भी अपने आप में एक बहुत ही महान संत हैं जिनके गुणों की चर्चा हम कर रहे हैं। नेक्स्ट लेकिन छतगन दादू दयाल, दादू दयाल लिखे, ये भी निर्गुण विचारधारा के संत थे, निर्गुण विचारधारा के संत थे। नेक्स्ट, इन्होंने निपक आंदोलन चलाया था, निपक आंदोलन चलाया था। चलाया था दादू दयाल गुजरात के अहमदाबाद से संबंधित थे। ये धुनिया जाति से थे, धुनिया जाति से थे। दुनिया जाति से थे छतगन ध्यान देंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, पूछेगा किस संत ने निपक आंदोलन चलाया था, दादू दयाल ने चलाया था, इनका संबंध कहां से था? गुजरात के अहमदाबाद से था। छतगन ये भी निर्गुण विचारधारा के संत थे, यह भी क्वेश्चन आता है छतगन ध्यान रखिएगा। तो कबीरदास, संत रविदास, दादू दयाल, ये सब निर्गुण विचारधारा के संत हैं, ये ईश्वर को निराकार मानते हैं, ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं, जाति प्रथा के विरोधी हैं, धार्मिक कर्मकांड आडंबरों के विरोधी हैं। निर्गुण विचारधारा के एक और संत का नाम लिखेंगे छात्रगण, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव लिखे, गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक एवं सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, गुरु थे। नेक्स्ट, गुरु नानक देव भी, गुरु नानक देव भी निर्गुण विचारधारा, विचारधारा के समर्थक थे, निर्गुण विचारधारा के समर्थक थे। छतगन गुरु नानक देव भी कौन से विचारधारा को अपनाते थे? निर्गुण विचारधारा को अपनाते थे, निर्गुण विचारधारा के समर्थक थे। इसे भी छतगन आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा। तो ये है छतगन सगुण और निर्गुण विचारधारा के संतों की रूपरेखा। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा संत निर्गुण विचारधारा का नहीं था? नंबर एक कबीरदास, नंबर दो संत रविदास या रैदास, नंबर तीन दादू दयाल, नंबर चार मीराबाई। तो मीराबाई छतगन सगुण विचारधारा के थी, क्योंकि उनके आराध्य देव कौन थे? भगवान कृष्ण थे।
छात्रगण, जब तक आपको सगुण विचारधारा और निर्गुण विचारधारा के बीच का अंतर नहीं मालूम रहेगा, तब तक आपसे इस प्रकार के प्रश्न नहीं बन पाएंगे। आपको उसे ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीजों को छात्रगण गौर करना होगा, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएं तो आपको दिक्कत ना हो, मुश्किलों का सामना आपको नहीं करना पड़े, है ना। छात्रगण ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब छात्रगण हेडिंग बनाइएगा, नए टॉपिक का नाम सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन के बाद हम लोग छात्रगण जानेंगे सूफी आंदोलन। आंदोलन लिखिए, सूफी शब्द सफवी से बना है। सफवी से बना है, जिसका अर्थ शुद्धता एवं पवित्रता होता है। शुद्धता एवं पवित्रता होता है, सफवी से बना है, जिसका अर्थ शुद्धता एवं पवित्रता होता है। नेक्स्ट, सूफी शब्द का एक अन्य अर्थ, सूफी शब्द का एक अन्य अर्थ ऊन या गरम कपड़े होता है। नेक्स्ट, मध्य एशिया में इस्लाम धर्म के अनुयायी ऊनी वस्त्र या गर्म कपड़े पहनकर धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, जिन्हें सूफी संत कहा जाता था। कहा जाता था। नेक्स्ट, सूफी विचारधारा में कई प्रमुख शब्द मौजूद हैं जो निम्न हैं। एक तब लिख लेंगे छात्रगण शब्द, दूसरा तब लिखेंगे अर्थ, लिखेंगे पीर, गुरु, वली, गुरु का उत्तराधिकारी या सबसे प्रमुख शिष्य, गुरु का उत्तराधिकारी या सबसे प्रमुख शिष्य। नेक्स्ट, मुरीद शिष्य फॉलोअर, ये मेरा मुरीद है, मुरीद शिष्य। नेक्स्ट, तौबा करता हूं मैं, पश्चाताप। नेक्स्ट, अगले शब्द को लिखेंगे खानकाह। सूफी संतों का
निवास स्थान, खानकाह, सूफी संतों का निवास स्थान आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट, समा, समा, सूफी संतों के गीत संगीत की परंपरा, सूफी संतों के गीत संगीत की परंपरा। नेक्स्ट, बासरा, बासरा, ऐसे सूफी संत, अर्थ लिखेंगे छात्रगण, ऐसे सूफी संत जो इस्लामिक कानून या शरीयत, शरीयत का पालन करते थे, इस्लामिक कानून अर्थात, ऐसा लिखेंगे, इस्लामिक कानून अर्थात शरीयत का पालन करते थे, पालन करते थे। नेक्स्ट, बेसरा, बेसरा, ऐसे सूफी संत जो शरीयत का पालन नहीं करते थे, शरीयत का पालन नहीं करते थे। नेक्स्ट, सब्र, संतोष, खौफ, डर, रीजा, रीजा, आत्मसमर्पण, रजा, उम्मीद, तबाकुल, तबाकुल, प्रतिज्ञा। नेक्स्ट, शुक्र, आभार, बजा, बजम्याकार, संयम, जुहद, जुहद, भक्ति, यह है छात्रगण प्रमुख सूफी शब्दावलियां जिसे आपको ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीजों को छात्रगण याद रखना होगा, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट लिखिएगा छात्रगण, अकबर के दरबार के नवरत्न, अकबर के दरबार के नवरत्न अबुल फजल ने, अबुल फजल ने अपनी पुस्तक अकबरनामा में 14 प्रकार के सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है, 14 प्रकार के सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट, भारत में प्रमुख सूफी सिलसिले, भारत में प्रमुख सूफी सिलसिले निम्न थे,
नंबर एक, चिश्ती सिलसिला, चिश्ती, चिश्ती सिलसिला, सिलसिला लिखिए, यह भारत में स्थापित प्रथम सूफी सिलसिला था। यह भारत में स्थापित प्रथम सूफी सिलसिला था, था। इसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नाम सुना होगा छात्रगण आपने, ख्वाजा मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, चिश्ती ने की थी। नेक्स्ट, ये 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, साथ भारत आए थे, थे। नेक्स्ट, चिश्ती सिलसिले की मुख्य विचारधारा सादगी अर्थात सादा जीवन उच्च विचार था, सादा जीवन उच्च विचार था, था। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को, राजस्थान में है छात्रगण, अजमेर को धार्मिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनाया था, गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनाया था, गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनाया था। नेक्स्ट, इनकी दरगाह, दरगाह जिसे, जहां सूफी संतों को या इस्लामिक संतों को मृत्यु के बाद दफनाया जाता है छात्रगण, मकबरा या दरगाह, इनकी दरगाह अजमेर में स्थित है, स्थित है। नेक्स्ट, इन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है, इन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। छतगन, क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, सूफी शब्द सफवी से बना है जिसका अर्थ पवित्रता होता है, शुद्धता होता है। छतगन, सूफी शब्द का एक और अर्थ गर्म कपड़ा या ऊनी कंबल होता है। मध्य एशिया में इस्लामिक धर्म के संत गर्म कपड़े या ऊनी वस्त्र धारण कर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार घूम घूम के करते थे, इन्हें ही सूफी संत कहा जाता था। छतगन, सूफी शब्द जो विचारधारा है उसमें कई शब्द हैं, टर्मोलॉजी हैं, जिसको आपको ध्यान रखना होगा, जो मैंने आपको लिखाया भी है। पीर गुरु को कहा जाता था छतगन, वली गुरु के उत्तराधिकारी को कहा जाता था, जो सबसे प्रमुख शिष्य होता था, जिसमें उत्तराधिकारी बनने की क्षमता होती थी गुरु की, उसे ही कहा जाता था वली। मुरीद, ये सभी शिष्यों को कहा जाता था, है ना। खानकाह, सूफी संतों के निवास स्थान जहां ये रहते थे उन्हें खानकाह कहा जाता था छतगन। दरगाह, जहां सूफी संतों को मृत्यु के बाद दफनाया जाता था। बासरा, ऐसे सूफी संत जो इस्लामिक कानून अर्थात शरीयत में विश्वास करते थे वो बासरा कहलाते थे। बेसरा, इसको बेसर्म से याद रखिएगा, ऐसे सूफी संत जो इस्लामिक कानून
या शरीयत को नहीं मानते थे बेसरा कहलाते थे। बेसरम से याद रखिएगा इसको कि ये लोग बेसरम थे, ये इस्लामी कानून या शरीयत को नहीं मानते थे। जो कानून को ना माने वो क्या है? बेसरम है। तो इस तरीके से आपको याद रखने में ऐसे नहीं होगा कि इस्लामी कानून या शरीयत को जो नहीं मानता था वो बेसरम था, है ना, बेसरा था। ध्यान रखिएगा छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का, इसलिए इस पर भी आपको पहले निगाह रखनी होगी, इसे भी ध्यान रखना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिएगा छतगन। बाकी शब्दावलियां भी जो मैंने आपको लिखाई हैं सूफी टर्मिनोलॉजी के तहत, चाहे वह तौबा हो, पश्चाताप जिसका अर्थ होता है, चाहे वह शुक्र हो जिसका आभार होता है, चाहे वह रजा हो जिसका अर्थ उम्मीद होता है ना, चाहे वह तवाकुल हो जिसका अर्थ प्रतिज्ञा होता है, ये सबको आपको छतगन याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा भारत में सूफी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत आने वाला प्रथम सूफी सिलसिला कौन सा था? चिश्ती सिलसिला था। अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी या अकबरनामा में कितने प्रकार के सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है? 14 प्रकार के सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। भारत आने वाला प्रथम सूफी सिलसिला या संप्रदाय कौन सा था? चिश्ती संप्रदाय था छात्रगण, चिश्ती संप्रदाय था, ध्यान रखिएगा। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा छात्रगण, बहुत इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए थे? 1192 में। किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में अपना मुख्य केंद्र, धार्मिक केंद्र, आध्यात्मिक केंद्र कहां बनाया था? राजस्थान के अजमेर को बनाया था। इनका दरगाह या मकबरा भी अजमेर में स्थित है। किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को गरीब नवाज भी कहा जाता है, यह भी आपको छतगन ध्यान रखना होगा। छतगन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने गीत संगीत की एक नई परंपरा समा की शुरुआत की थी। समा है ना, गीत संगीत की एक नई परंपरा समा की शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने की थी, इसे भी छतगन आपको ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा। छतगन, चिश्ती संप्रदाय की विचारधारा क्या थी? सादा जीवन, उच्च विचार, सादगी पसंद थे ये लोग, दिखावे में नहीं थे, ऐश्वर्य विलासिता से कोसों दूर रहते थे और बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा छतगन, पैनी निगाह रखनी होगी और एक चीजों को मनन करना होगा छतगन। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत और संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आप तो आपको जानना ही है, साथ ही साथ चिश्ती संप्रदाय के जो अन्य प्रमुख संत हुए थे उनके बारे में भी आपको जानना होगा, उनको भी ध्यान रखना होगा, है ना। छतगन लिखेगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, लिखे इनकी याद में, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। ये इल्तुतमिश के समकालीन थे। नेक्स्ट संत का नाम लिखेंगे, हमीमुद्दीन नागौरी, लिखे ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सन्यासियों का सुल्तान कहा था, सन्यासियों का सुल्तान कहा था।
इनका संबंध राजस्थान के नागौर से था, राजस्थान के नागौर से था था। नेक्स्ट, अगले संत का नाम लिखेंगे छतगन, बाबा फरीद। लिखिए, इनके गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। नेक्स्ट, बाबा फरीद की रचनाएं सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। नेक्स्ट, निजामुद्दीन औलिया, अगले संत का नाम लिखेगा, सब चिश्ती संप्रदाय के संत हैं छात्रगण, निजामुद्दीन औलिया। लिखे, ये बाबा फरीद के शिष्य थे, ये बाबा फरीद के शिष्य थे थे। नेक्स्ट, निजामुद्दीन औलिया योग एवं प्राणायाम में, योग एवं प्राणायाम में विश्वास करते थे, इसलिए इन्हें योगी सिद्ध भी कहा जाता था नेक्स्ट, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है, इनके नाम पर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली में मौजूद है। नेक्स्ट, निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, परंतु किसी के भी दरबार में ये नहीं गए थे, छात्रगण, आज कक्षाओं को हम लोग यहीं पर रुकेंगे, पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी, और चिश्ती संप्रदाय, सुरावर्दी संप्रदाय, फिरदौसिया संप्रदाय और अन्य संप्रदायों के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि सूफी संप्रदाय, सूफी सिलसिले में कौन कौन से संप्रदाय थे, इन सभी को हम लोग जानेंगे छात्रगण। तब तक के लिए आप सबों को मेरी शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद।